हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गई हूँ एक नया ड्रामा लेकर। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये ड्रामा एक ही पार्ट में ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड पायलू से। पायलू एक ड्रामे के लिए शूट कर रही होती है और वो स्टार्टिंग एपिसोड का सीन शूट कर रही थी जहाँ पर उसे किसी ने धोखा दिया हुआ था और वो उसी के बारे में उससे कॉन्फ्रंट कर रही होती है। बाद में पता चला जो पायलू है वो एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है और उसके बाद वो सीन ख़त्म करती है और यहाँ पर सब लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं क्योंकि पायलू की एक्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी। तभी वहाँ पर चेंग आता है। चेंग उसे बोलता है तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। तब पता चला शायद पायलू और चेंग अच्छे खासे दोस्त थे और उसके बाद वो बोल रहा था क्या तुम अभी भी उसे भुला नहीं पाई, क्योंकि पायलू के फ़ोन के स्क्रीन पे किसी के साथ तो हाथ पकड़ा हुआ फ़ोटो था। और ये सुनने के बाद जो पायलू थी वो बोलती है नहीं मैं तो कब का उसे भुला चुकी हूँ, मुझे अब तो याद भी नहीं कि वो कैसा दिखता है, ऐसा वो बोलती है। लेकिन ये झूठ बोल रही थी क्योंकि इसकी आँखें कुछ और ही बोल रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पायलू अपने मन ही मन में बोल रही थी 3 साल हो गया है, हमारा डिवोर्स हो गया है और मुझे अब इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना और उस बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं जिसने मुझे हॉर्ड किया है, ऐसा मन ही मन में वो सोच रही होती है। और उसके बाद आप लोग सोचे होंगे ना कि ये बंदा कौन है, तो एंट्री लेता है हमारे ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम जियान होता है। जियान अंदर की तरफ आता है और उसके बाद पायलू के थ्रू वो क्रॉस होके जा रहा होता है। तभी पायलू उसे देखती रह जाती है। तब हमें पता चला जो जियान था वो उसका एक्स हस्बैंड हुआ करता था और अभी इस ड्रामे में वो इस ड्रामे का डायरेक्टर था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके थ्रू क्रॉस हो रहा था। पायलू एक्सपेक्ट कर रही थी वो कुछ बोलेगा, उसने जो बोला था ना अभी कुछ देर पहले कि मैं तो उसे बुला चुकी हूँ, जो जोर था क्योंकि उसे देखने के बाद उसका पूरा एक्सप्रेशन ही बदल गया था। और उसके बाद वो मन ही मन में यही सवाल कर रही थी कि मैं इसे क्यों नहीं बुला पा रही हूँ, मुझे इसको बुलाना है, अगर इसके लिए मैं कुछ भी नहीं हो तो मुझे इसको अपनी लाइफ में इतनी अहमियत नहीं देनी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियान था वो उसे क्रॉस करके आगे की तरफ जाता है और उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों से बात करने लगता है। वहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये हमारे ड्रामे की फीमेल ही थे। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम लोगों ने कैसे डिसाइड किया मेरे वगैरह कोई फीमेल लीड बनेगी, अगर मेरे ड्रामे की हीरोइन बनेगी तो मेरे मर्जी से होगी ना, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो पायलू के पास आता है और वो बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद पायलू को बाहर की तरफ लेके चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पायलू के हाथ में फ़ोन था और फ़ोन पर वाल पेपर वो भी देख लेता है और वो बोलता है मिस पायलू मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी भी मुझसे मूव ऑन नहीं कर पाई हो, इतना वक्त हो गया तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, तुम्हारा अच्छा खासा करियर है, फोकट में क्यों स्पॉइल कर रही हो, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनने के बाद पायलू बोलती है अच्छा है तुमने याद दिला दी है कि मुझे मूव ऑन करना है, ऐसे मैं मूव ऑन तो कर चुकी थी, ये फोटो तो मैंने बस वॉलपेपर पे इसलिए रखा हुआ है ताकि मुझे पता चले, मुझे याद आता रहे कि किसी बंदे ने जिससे मैंने इतना प्यार किया था उसने मुझे कुछ रीजन के बगैर ही छोड़ दिया था, मुझे प्यार में सबसे बड़ा धोखा तो अपने से ही मिला था ना, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है मैं बस अपने आप को सही रखने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक फ़ोटो सबसे आगे देखना चाहती हूँ, ऐसा वो बोल लेती है। जियान बोलता है तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदली ना, वो बोलती है कि बदलने के लिए तो वक्त बदलता है इंसान नहीं। और उसके बाद वो उसके बहुत करीब आता है, उसके कान में कुछ बोलता है और वो बोलता है वो तो हम देख लेंगे, तुम बोल रही हो बदल गई हो मुझसे मूवन कर चुकी हो तो चलो मेरे ड्रामे में काम करके दिखाओ तो मैं मानूँ। और उसके बाद जो पायलू थी वो बोलती है तुम्हारे ये सब ट्रिक ना पुराने नहीं और मुझ पर तो बिल्कुल रोक नहीं करेंगे। उसका फ़ोन गिर गया, उसका फ़ोन उठाता है लेकिन पायलू उसका फ़ोन छीन लेती है। और उसके बाद वो उसे बोलता है अगर बाई चांस तुम्हारे मन में आज भी मेरे लिए फीलिंग है तो एहतियात कर मुझे लगता है मुंह बंद कर लो, मेरी एक्स से तो इतना तो मैं बता ही सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो जाने वाला था, पायलू उसे पूछती है तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दिया हुआ था, मुझे अब तक नहीं पता चल पाया कि मैं जान सकती हूँ, ये सुनने के बाद जियान उसे देखता है और वो बोलता है 3 साल हो गया और अब तक तुम किसी से मूव नहीं कर पाए, क्या करोगे उस बात को जानकर, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है ऐसे मैंने ना
अपने ड्रामे में फिमिलिट को चूज कर लिया हुआ है और मेरी दोस्त बनेगी, ऐसा वो बोलता है। तभी पायलू बोलती कि दोस्त हो गई दोस्त ना जिसके साथ अभी तुम हो, ऐसे भी तुम्हें तो उसके फियांसी बोला जाता है मिनी, ऐसा वो बोलती है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है पायलू जाने वाली थी, मिनी वहाँ पर आती है और उसके बाद पायलू को ऐसे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम जियान को कैसे सीड्यूस कर सकती हो। और तभी उसे तमाचा लगाने वाली थी मिनी को पायलू ऐसे रोक लेती है और उसके बाद वो उसे बोलती है कि ये मेरा फियांसी है। और उसके बाद जो जियान था और मिनी को उसे पकड़ता है और उसके बाद वो बोलता है ऐसे मेरी फियांसी है और हम दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद पायलू बोलती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे क्यों सुना रहे हो, जाओ तुम लोग जो भी करना है करो, मरो मुझे सुनने से क्या फ़ायदा है, ऐसे भी जो चीज़ मैं छोड़ती हूँ ना उसके पीछे मैं अपना टाइम स्टे करती, सब बोल के चली जाती है। उसे बिल्कुल भी वाव नहीं देती। जियांग सबके सामने ये बता देता है कि उसने ड्रामे की हीरोइन का चेंज किया हुआ है, अभी बायलू यहाँ पर मिस्ट्रेस का रोल करेगी और जो मीन है वो यहाँ पर हीरोइन बनेगी। तो अब डायरेक्टर ने बोला हुआ था तो मना करने का तो सवाल था ही नहीं, तो वो लोग मान जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब शूटिंग वाला सीन जहाँ पर बायलू जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी हीरोइन वाला सीन, जहाँ पर उसे किसी को तमाचा लगाना था, किसी ने उसे धोखा दिया हुआ था, वही तो अब उसके ऊपर होने वाला था। और आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो मिनी जानबूझ के ऑलमोस्ट 36 टाइम एक ही सीन को रिपीट करती रहती है, मतलब एक दिन के पूरे शूट में उसे 36 टाइम स्लैप खाना पड़ता है। सबको पता था जो मिनी है वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही है, लेकिन कोई भी जियांग जो जियांग है उसके नाम की वजह से उसकी फियांसी है सोच के वो कुछ बोल नहीं पाता। और पायलू भी बिल्कुल भी हार मानने वाले में से नहीं थी, इसी बात की वैसे वो चुपचाप उसके जो भी रिटेक था वो सह लेती है। रिटेक माने कि उसे ऐसे मतलब वो स्लैप खाना पड़ता है 36 टाइम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब एक लिमिट होता है तो उस टाइम पे वहाँ पर जियान आता है और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पायलू कुछ बोलने वाली होती है तभी जियान ऐसे मिनी को दिखता है और वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, चलो कल शूट करेंगे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो मिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद पायलू को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पायलू फ़ोन कॉल पे अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, उसे पता चल गया कि पायलू के साथ सेट में क्या हुआ था। वो उसे बोलता है अगर जियान वापस आ गया तो मुझे उससे बात करना पड़ेगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुमसे बदला ले रहा है। तभी पायलू बोलती है रहने दो ना क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ ऐसे पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से क्या ही होगा, छोड़ो उन लोगों को जो करना है करने दो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी, ऐसा वो बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है गाड़ी से जैसे वो आती है तभी वहाँ पर जियान होता है, जियान उसे देखता है, पायलू पहले फ़ोन को कट कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी ज़्यादा कैपेबल होगी, तुम्हारा स्टेमिना कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ऐसे सुनने के बाद पायलू बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझे तुम्हारा कोई बकवास नहीं सुनना। सुनने के बाद जियान बोलता है तुम्हारे फेस पे अभी चोट का निशान है, तुम हॉट हुई हो फिर भी तुम ऐसे दूसरे मर्दों से फ्लर्ट करने में पीछे हट नहीं रही हो ना। ये सुनने के बाद पायलू बोलती है कि तुम क्या मेरे बारे में इस सब बकवास सोचती हो। ये सुनने के बाद जियान बोलता है तुम जैसे हो मैं ऐसा ही तो सोच रहा हूँ ना। ये सुनने के बाद पायलू बोलते हैं कि क्या बात है मिस्टर जियान, आपको आपकी एक्स वाइफ पे कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं आ रही है, अगर इतना दिलचस्पी आ रही है तो ये भी बता देते ना कि मुझे डिवोर्स क्यों दिया हुआ है, ये तो नहीं बता रहे हो, तो ऐसे मेरे ऊपर टाइम स्पेंड से क्या है, आप जाओ आपकी फियांसी के साथ उसे बुरा लगेगा अगर वो आस पास होगी तो, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनने के बाद जियान उसे बोलता है पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा खर्चिया तो तुम्हारे साथ होने में लगता है, तुम जैसी लड़की के ऊपर मैंने अपने लाइफ का आधा टाइम वेस्ट किया हुआ था, अच्छा हो मुझे सही वक्त पे पता चल गया, ऐसा बोल के उसे ऐसे गाड़ी की तरफ पुश करता है और बोलता है तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तुम ये सब कुछ ही डिजर्व करती हो। ये सुनने के बाद मीनी को ऐसे याद करती है, वो बोलती कि एक बात बताओ उसमें ऐसा क्या खास था जो तुमने मुझे छोड़ के उससे चूज किया हुआ, छोड़ो ये सब कुछ तो पास्ट वाली बात है मैं दोबारा याद नहीं करूँगी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा क्यों था मुझे बस ये जानना है, मैंने इतने साल इंतजार किया तुम्हारे वापस लौटने का, मुझे एक बार
जवाब तो मिले ना तुम्हारे ये सब कुछ करने का, ऐसा हो बोलती है। तभी जियान उसे बोलता है, अगर तुम चाहती हो ड्रामे में वापस तुम्हें हीरोइन वाला रोल मिले तो तुम्हें मेरी बातें को मानना पड़ेगा। ऐसे सुनने के बाद जो पायलू थी वो बोलती है, मुझे को तुम्हारे कोई भी घटिया चीज़ों को ओके नहीं बोलना है, यहाँ से हटो। लेकिन वो नहीं सुनता और वो बोलता है, नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, तुम्हें तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है ना कि लोगों को किस तरह से ले जाना है, मर्दों को किस तरह से खुश करना है, तो वही मेरे साथ करो ऐसा वो बोलता है। बायलू बोलती है हर किसने, लेकिन वो उसे गाड़ी के अंदर पुश करता है और उसके बाद सीन कट होता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है बायलू अपने कपड़े ठीक कर रही थी, तो हाँ ये दोनों इंटीमेट हो गए थे। और उसके बाद वो बोलती है, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो गए हो, तो अब क्या चाहिए बताओ, इससे ज़्यादा मेरे साथ क्या कर सकते हो, ऐसा वो बोलती है। ऐसा सुनने के बाद वो उसे बोलता है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ नॉर्मल सी बात है ना, तुम तो करती रहती हो, तो तुम्हें इतना ज़्यादा इम्बेस होने की ज़रूरत नहीं है, इम्बेस तो मुझे होना चाहिए, तुम जैसे घटिया लड़की को मैंने हाथ लगाया, ऐसा वो बोल रहा होता है। जो सुनने के बाद बायलू को बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो उसे बोलती है, मैंने अपने लाइफ के इतने वक्त तुम्हारे ऊपर खर्च किया, मैं बस इस उम्मीद में थे तुम वापस आओगे मुझे आंसर मिलेगा, लेकिन मुझे अब शर्म आ रही है तुम जैसे घटिया इंसान को प्यार करने का सोचकर, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हीरोइन वाला स्क्रिप्ट भेजवा दूंगा, अब चुपचाप कपड़े पहनो और यहाँ से दफा आ जाओ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। हमें दिखाया जाता है जो जियान था उसके हाथ पे एक छोटा सा मेडिसिन का डिब्बा था जो उसने केमिस्ट से मंगाया हुआ था बायलू को खिलाने के लिए। अब दिखाया जाता है बायलू फिर से वापस हीरोइन हो गए। इसके बारे में सबको तो पता चल चुका था, सब लोग शौक में थे कि डायरेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब उसने अपने खुद के फैंसी को रिप्लेस किया हुआ था वो भी एक लड़की के लिए, और सब लोग ऐसा सोच रहे थे पक्का इसने कुछ ना कुछ तो कर दिया होगा, क्योंकि इन सब लोगों को पता है जो डायरेक्टर जियान है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप का इंसान है। और उसके बाद बायलू ऐसा कुछ सुन रही होती है और उसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा आता है, वो जाती है सीधा जहाँ पर हमारी मिनी मिनी से प्रस हो रही होती है, उसके पास आके बोलती है, अगर तुम जाती हो तो तुम्हें वापस रोल मिल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे मिस्टर्स वाला रोल खेलने में। ऐसे निकल दो उसे एकदम मजा लगा के बोलती है कि तुम होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाली, एक बात बताओ तुमने ऐसा क्या किया जो मेरा रोल छीन लिया, बताओ ऐसे भी तुम मेरा जो बीच में दिया हुआ रोल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वो बोल रही होती है। सुनने के बाद बायलू को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वहाँ तब वहाँ पर जियान होता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है बायलू अभी पहले तो मीन को एक तमाचा लगाती है और वो बोलती है, ये गलती दोबारा मत करना, मैं तुम्हारी कोई ऐसी चमची नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात को मानूंगी, और दूसरी बात यहाँ पर मुझे इस तरह से इंसल्ट करना बंद करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियान था ऐसे आता है मीनी को प्रोटेक्ट करने के बहाने से और वो बोलता है तुम मेरी फ्रेंड्स को हाथ नहीं लगा सकती। ये सुनने के बाद जो पायलू थी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या बात है प्रेसिडेंट आपको कल रात का टाइम अच्छा नहीं लगा क्या, कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा सर्व कर लूँगी, आपके बेर्थ आने में मुझे को इतना ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन आप इस तरह से बार बार मेरा इंसल्ट नहीं कर सकते, और आपकी फियांसी जो बार बार मेरा इंसल्ट करती रहती है ना इसके लिए तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वो बोलती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आया हुआ था और वो ऐसे उसे प्रोटेक्ट करने की ट्राई करता है, तभी बायलू बोलते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है मुझे इसके ड्रामे में खेलना ही नहीं है, यहाँ से तफा हो जाओ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद काफ़ी गुस्से में थी वो वहाँ से निकल लेती है अपने रूम में सामान पैक करके यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग महसूस हो रहा होता है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जियान क्लब पे था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, अपसेट था, ड्रिंक कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर मीनू भी आई हुई थी और वो बोलती है कि तुम इतने टाइम के बाद वापस आ गए चाइना, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी इसके आसपास ऐसे लड़के मंडाते रहते हैं, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद जियान को गुस्सा आ रहा होता है और उसके बाद वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर जो जियान था उसने ऐसे देखा हुआ था, किसी ने उसे कॉल करके बोला कि जो पायलू है उसे चीट कर रही थी जब वो दोनों ने शादी किया हुआ था उसके दूसरे साल को ही, तो वो तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन किसी ने उसे एड्रेस दिया हुआ था और अपने प्यार का मतलब टेस्ट के लिए जाने के लिए बोला हुआ था। जब जियान उस होटल के ऐसे नीचे वाले सेक्शन पर जाता है तो वो देखता है पायलू किसी मैन के साथ एक होटल के अंदर गई हुई थी और एक कमरे में, जो देखने के बाद उसका दिल छूट गया था, शायद इसी बात की वजह से इस बंदे ने उसे डिवोर्स दे दिया होगा, और अभी यह चीज़ वो याद कर रहा था। और उसके बाद तो काफ़ी अपसेट था और वो बोल रहा था कि ये लड़की आज भी नहीं बदली, लेकिन मुझे बुरा फील नहीं करता,
क्यों मुझे बुरा फील हो रहा है, ऐसा वो मन ही मन में सोच के रो रहा होता है। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि ये बंदा बहुत रूट पर के आया जरूर था, लेकिन अपने एक्स वाइफ को बिल्कुल भी बुला नहीं पाया था। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में, बायलू ऐसे अपने घर से नीचे कहीं जा रही होती है, वहाँ पर आती है मिनी और उसके बाद वो उसे बोलती है, पता है तुम्हें मैं जिया ने तुम्हें क्यों छोड़ा हुआ था। तभी भालू बोलते हैं तुम्हारी बकवास मुझे नहीं सुननी, यहाँ से दबा जाओ। तभी उसे बोलते कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, रुको रुको बोल के उसे बोलते हैं 3 साल पहले उसने तुम्हें किसी मेहमान के साथ होटल में जाते हुए देखा हुआ था और अभी दोबारा वो वापस आ गया, तो तुम यही सब कुछ करके उसे हॉट कर रही हो, ये सब कुछ करना बंद करो, ऐसा वो बोल लेती है। जो सुनने के बाद भालू बोलती भैया कि तुम्हारा बकवास मुझे नहीं सुना, यहाँ से दबा जाओ। वो बोलते कि नहीं नहीं मैं झूठ बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बस जियान की खुशी चाहती हूँ और जियान की खुशी मेरे साथ है। तुम जब उसके आसपास वापस आ गई तो उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा सैड होने लगा, तो उसको सैड करना बंद करो बोल के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल लेती है। पहले वहाँ से क्रॉस होते हुए जाती है जियान के घर पर, वो उसका वेट कर रही थी। वो सोचती है क्या मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बाद में सोचती है मैं फोकट पर क्यों एक्सप्लेन करूँगी, वो होता है कौन है मेरा, उसने एक बार मुझे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्या हमारा प्यार इतना वो एक था, ऐसा मन ही मन में सोच रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बायलू तो वहाँ से जाने वाली थी, जियान वहाँ पर आता है बहुत नशे की हालत में था, और उसके बाद बायलू ऐसे बोलती है तुम्हें इतना ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये चीज़ें सुनने के बाद जियान उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली ना, आज भी मेरा ख्याल रखने का प्रचन करती रहती हो। बायलू बोलती है मैं यहाँ पर कुछ और काम की वजह से आई थी, लेकिन तुम अभी इस हाल में हो नहीं कि मैं अपना एक्सप्लेनेशन बता पाऊँ, और ऐसे भी मैं होती कौन हूँ तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने वाली, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है ना, तो मैं जा रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा बह गई थी बोल के वो जाने वाली होती है। जियान उसे रुकता है और बोलता है बस यही कहने के लिए आई थी ना कि 3 साल पहले तुम होटल रूम में गई थी, वो कोई और था, मैंने कुछ गलत समझ लिया, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे ये चिप चिक मेरे ऊपर काम करेंगे, अभी देख रही हो तुम कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन चुका हूँ, तो शायद तुम्हें लग रहा होगा अब तुम्हें स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा अगर मेरे साथ रहोगे, तो इसीलिए सब कुछ ड्रामा कर रही हो। जो सुन के तो बायलू को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बोलती है तुम जो सोचता है सोच सकती हो, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना है, छोड़ो। तभी जियान उसे बोलता है नहीं अगर यहाँ तक आ चुकी हो तो मैं तुम्हें ऐसे खाली थोड़ी छोड़ सकता हूँ, अब तुम्हें फीमेल लीड का तो रोल मिल चुका है, अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ दिला नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारे बहुत सारे रिलेशन होंगे जो अकेले तो पूरा नहीं हो पा रहा होगा ना, कोई बात नहीं मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करो और मैं तुम्हें एक और ड्रामे में भी फीमेल लीड का रोल दिला दूँगा, ऐसा वो बोलता है। बायलू कुछ बोल नहीं पाती, एक्चुअली वो बोलने वाली थी लेकिन उससे पहले उसे किस करता है और काम यहीं पर खराब, और दोनों एक दूसरे के साथ यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद फिर से दोबारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बायलू अपने कपड़े ठीक कर रही थी, मतलब का सारा काम होने के बाद वाला सीन जहाँ पर वो बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कुछ अगर होता है ना तो वो अच्छे के लिए होता है, इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला सिचुएशन अगर हमारे बीच में बनने वाला था उस टाइम पे, अगर दोनों में से एक को ट्रस्ट होता है उस बंदे के ऊपर तो तब सही होता, कोई बात नहीं मैं पास को तो नहीं बदल सकती लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें ये बता पाई कि मैं गलत नहीं थी। और उसके बाद वो बोलती है अच्छा हुआ 3 साल पहले हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, वरना इस तरह का बेवकूफ़ इंसान को शायद मैं झेल ना पाती जो हर बात पे अपनी वाइफ पे शक करता है, ऐसा वो बोलती है। और उसको बोलती है कि आज के बाद अपनी शक्ल मुझे बिल्कुल भी मत दिखाना, जो तुम्हें चाहिए वो मिल चुका है, इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाऊँगी, जस्ट बिकॉज तुम मेरे एक्स हो इसलिए मैं इतना कर पाई, ऐसा वो बोल के चली जाती है। जियान तो कुछ बोल नहीं पाता, उसे गुस्सा आ रहा होता है। सो हम देखते हैं अब कुछ टाइम बाद वाला सीन जहाँ पर 2 महीने बाद बायलू ऐसे उसे कॉल आता है, उसका जो असिस्टेंट था उसका, तो उसे पता चला जो जियान है उसने उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो हमें इसका डिटेलिंग तो बाद में पता चलेगा। जियान चला जाता है चियांग ग्रुप में जहाँ पर उसे यहाँ की प्रेसिडेंट से बात करनी थी, क्योंकि
वो एक डील के लिए इसके साथ अभी काम करने वाला था। वो देखता है जो असिस्टेंट था वो तो वही बंदा था जो बायलू के साथ एक बार होटल में गया हुआ था। तो ये सोचता है ये वही लड़का है और उसके बाद वो ऐसे पूछने लगता है कि तुम बायलू को जानते हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि ऐसे ऐसे शादीशुदा औरतों के आगे पीछे घूमते रहना तुम्हारा शौक है क्या? उसका जो दोस्त था जो बायलू का भी एक टाइम पर दोस्त हुआ करता था उसे ऐसे कौन ही मारता है। और बोलता है बोलने से पहले सोचा करो ये किसी और की कंपनी है। और उसके बाद जो अभी बायलू के ऑफिस में जो बंदा था जिसके साथ जियान ऐसे बात कर रहा था वो ऐसे बोलता है प्रेसिडेंट वापस आ गई। और उसके बाद इंच लेती है बायलू जो काफ़ी गॉर्जियस लग रही थी और उसको देखने के बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो बायलू का दोस्त था वो बोलता है ये प्रेसिडेंट है यहाँ की क्या करेगी। और उसके बाद वो बोलते हैं क्या बायलू प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट है। और तभी हमें पता चला जो बायलू थी वो फेमस राइटर है जो ऐसे स्क्रिप्ट लिखा करती है हर मूवीज़ के लिए हर ड्रामेज के लिए। तो शायद उसका जो एक्टिंग वाला टाइम है वो तो पैशन के लिए बना हुआ था। और वो बोलती है क्या बात है मिस्टर जियान आप डिसअपॉइंट हो रहे हो क्या मेरा इतना ज़्यादा कारनामा देख कर? ऐसी भी आपको आदत नहीं होगी ना किसी लड़की को जो आपसे आगे जाए ये सब कुछ देखने की ऐसा हो। बोलती है सुनने के बाद जियान बोला था नहीं तुम तो सिर्फ मेरी वाइफ थी ना 3 साल तक एक हाउस वाइफ थी तो तुम इतना बड़ा नाम कैसे बना सकती हो। ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट बोल रहा था जो बायलू का दोस्त भी था कि बॉस ने तो ये सब कुछ खुद के दम पे किया हुआ है आपको क्या लगता है। अभी फैन जी जो बहुत बड़ी नोवेलिस्ट है बहुत बड़ी राइटर है वो कहाँ पर है आज तक किसी ने उसे देखा नहीं लेकिन उसके हर ड्रामे हर मूवीज हिट होते हैं। तो वो हमारी बॉस ही तो है ना ठियान ग्रुप के प्रेसिडेंट बायलू। ये सुनने की बात वो तो शौक में आता है वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी वहाँ पर आती है मिनी। मिनी ऐसे बोल रही थी ये यहाँ पर क्या कर रही है मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट से बात करनी थी लेकिन ये क्या कर रही है। ये सुनने की बात बायलू बोलती है तुम जैसी लड़कियों पर ना मुझे तरस आता है बस एक मर्द आगे पीछे एक लड़के को पाने के लिए ना अपना दिमाग खराब करती है और बाकी आगे का सोच भी नहीं पाती। मेरा सोच वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर तुम लोगों का सोच खत्म होता है ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है यहाँ से दफा जाओ। मिनी को भी पता चल गया कि बायलू तो इस कंपनी के प्रेसिडेंट है उसे भी तो थोड़ा सा धक्का तो लगा था क्योंकि मिनी के लिए तो बायलू उसकी सौतन की जैसी थी। और उसके बाद बायलू ऐसे उन दोनों को मुँह पे बोलती है आज के बाद यहाँ पर आना मत क्योंकि मैं तुम लोगों की कोई भी ऐसे बकवास नहीं सुनूंगी और दूसरी बात मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं बैठी हूँ ऐसा बोल के वहाँ से भगा देती है जियान। उसे तो धक्का अब लगा शायद उसने गलत समझ ही लिया था जिस लड़के के साथ वो होटल में गई थी वो उसका असिस्टेंट था मतलब ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड तो नहीं था। और एक बात बताओ अगर आप किसी से प्यार करते तो थोड़ा तो ट्रस्ट रखो ना। ट्रस्ट ही नहीं था जियान के मन में बायलू के लिए तो अब वो प्यार कैसे टिक जाता। उसे बहुत बुरा गुस्सा आ रहा होता है बहुत बुरा लग रहा होता है वो ऐसे घर पे था। तभी वहाँ पर मिनी आती है। मिनी उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ डे वन से मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मतलब वो तो अपने गुणगान कहती हुए बैठ रही होती है। जियान को बहुत गुस्सा आता है वो बोलता है तुमने मुझे क्यों बोला था कि बायलू एक लड़की के साथ होटल में गई है वो पैसों के लिए। सुनने की बात जो मिनी थी वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। वो उसे बोलता है तुमने मुझे फ़ोन करके बोला था बायलू मुझे चीट कर रही है और तुमने मुझे उस होटल तक पहुंचाने में पक्का कुछ ना कुछ गेम खेला होगा तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ ना। अगर तुम ना होती तो मेरे लाइफ में ये सब कुछ होता ही ना। हंस के बाद आपने शक्ल मत दिखाना बोल के बड़े गुस्से में वहाँ से निकल लेता है। मिनी का तो पॉपर्टी बन गया मतलब उसकी वाइफ बनने का जियान की वाइफ बनने का जो सपना था वो वहीं पर धरे का धरे रह गया था। सो अब अगले सीन में दिखाया जाता है जियान को पता चला बायलू एक कॉन्फ्रेंस करने वाली है क्योंकि उसका जियान का पास्ट वाला रिश्ता हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता मीडिया के सामने आ चुका था जिस बात की वजह से टियान ग्रुप एक काफ़ी बड़ा कीचड़ उछल रहा होता है। और वो मीडिया के सामने आती है और बोलती है जो उसका मेरा रिश्ता था वो 3 साल पहले ख़त्म हो चुका है तो इस पैटर्न आप लोग ये सब कुछ फिर से दोबारा शुरू ना करें ऐसा वो बोल रही होती है। सुनने के बाद बायलू अब जस्ट बिकॉज एक लड़की है
लड़की के ऊपर ज़्यादा किचल उछाला जाता है, ये तो मामूली सी बात है ना। तो वही यहाँ पर हो रहा था कि ये बोले होते हैं पक्का आपने कुछ किया होगा जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ने छोड़ा होगा ना। ये सुनने के बाद पायल को बहुत गुस्सा आता है, वो कुछ बोलने वाली थी तभी वहाँ पर जियान आता है और बोलता है गलती मेरी थी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा हुआ था, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो इस पेटर आप लोग इसके नाम को ख़राब करना बंद करें, ऐसा वो बोल के उस सबको रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और उसके बाद वो बायलू को लेके एक रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। ये जो फोटो था वो मिमी जो मिनी थी उसके हाथ पे लग गया था, उसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कॉल करती है जियान के असिस्टेंट को ये पूछने के लिए कि सब कुछ क्या चल रहा है और जो जियान है उसने उसके सारे प्रोजेक्ट से उसे क्यों निकाल दिया। तभी असिस्टेंट बोलता है शायद आपने गलत बंदे को प्रोवोक किया मैम, और आज के बाद आप कॉल मत कीजिएगा क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं चाहते आपके बारे में इस ऑफिस में बात भी हो, ऐसा बोल के फोन को काट देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में बायलू पूछती है कि तुम्हें क्या काम है मुझसे बताओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सुनने के बाद वो उसे बोलता है मुझे कुछ बोलना है और वो बोलता है गलती मेरी थी, मुझे कुछ पूछ लेना चाहिए था, मेरी बेवकूफ़ की वजह से मैंने सब कुछ ख़त्म किया, अभी मैं सब कुछ बदलने को रेडी हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। सुनने के बाद बायलू स्माइल करती है और वो बोलती है तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जिसको एक लड़की के सहारे चाहिए, हमेशा अपने आप को ऐसे ज़िंदा रखने के लिए मैं एक लड़की के सपोर्ट के बगैर भी जी सकती हूँ, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, या फिर तुम्हें ना अभी बुरा लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा आगे जा चुकी हूँ तुम होने के बावजूद भी, और तुम तो वहीं के वही हो, तुम बोलते हो ना कि मैं मूवन नहीं कर पाई लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम मूवन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो जियान था उससे बोलता है गलती मेरी थी, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती, हम फिर से दोबारा सब कुछ रिस्टार्ट नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद पायलू बोलती है नहीं हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नॉर्मल नहीं हो सकता, मैं 3 साल तक ऐसे में वेट कर रही थी कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, डिवोर्स क्यों दिया, बस मैं जानना चाहती थी, उसका मुझे जवाब मिल चुका है और अगर इसका आंसर मुझे ना मिलता ना शायद मैं पूरी लाइफ तुम्हारे ऊपर वेस्ट करके बैठ जाती, या फिर तुम्हारे लिए मैं ऐसे सोचती रहती कि इसने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन अब जब मुझे रीज़न पता चला ना उसके बाद तो मुझे अफसोस हो रहा है तुम जैसे इतने ज़्यादा स्टूपिड इंसान से प्यार करने के लिए, कहते थे ना मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारा प्यार इतना खोखला था कि किसी के कहने पर या फिर किसी ने कुछ बोल दिया और तुमने वो मान लिया मुझे एक बार पूछी मगर ही, और इसके बावजूद तुम में इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मुझसे एक चांस मांग रहे हो, बोल के वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकल लेती है। जी हाँ समझ चुका था उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा मिस किया है, लेकिन वो पायल को इस बार छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना बेसिकली हार मानने के लिए रेडी नहीं था। तो हमें दिखाया जाता है पायलू कैसे क्रश हो रही होती है, तभी वहाँ पर मिनी वहीं से उसे देखती है और उसके बाद वो पता नहीं किसके पास जाती है जहाँ पर वो पायलू को हार्म करने के लिए उन लोगों को ढेर सारा पैसा देती है, और उसका नतीजा ये होता है पायलू किडनैप हो जाती है और उसका फोन वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके बाद जो मिनी थी वो सोचती है आज इसको रास्ते से मैं हटा के छोड़ूंगी, उसके बाद तो जियान को मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा वो सोच के काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रही होती है। और हमें दिखाया जाता है इस तरह से हमारी बंदी हो जाती है किडनैप और मिनी जाती है जियान के पास जहाँ पर वो ऐसे नशे की हालत में था अपने घर पे, और वो उसके पास जाके उसे बता देती है कि तुम्हारी बेबी तो अब जल्द से जल्द इस दुनिया से टपकने वाली है। ये सुनने के बाद वो शौक में आ जाता है, उसका सीधा गला दबा के पूछता है कहाँ पर है भाई लो बताओ मुझे, तभी मिनी बोलती है मेरे पास मेरे साथ एक कंडीशन है, अगर मेरी बात मानोगे तो ही तुम्हें तुम्हारी वाइफ वापस मिलेगी। ये सुनने के बाद तो टेंशन में आ जाता है, वो बोलता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन बायलू को कुछ करना मत। ये सुनने का तो उससे पता नहीं क्या बता देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है बायलू ऐसे बहुत ख़राब हालत में थी, वो लोग उसे कुछ करने के बारे में सोच रहे होते हैं, और मिनी को दिखाया जाता है वो ढेर सारा पैसा लेके वहाँ से भाग रही होती है, तो शायद उसने जियान से बहुत सारा अमाउंट मांगा हुआ था।
इन रिटर्न वो बायलू के रिएक्शन के बारे में वो बता देती है। तो हमें दिखाया जाता है बायलू उसको रोकने के लिए आ जाती है। बाद में पता चला जो बायलू थी जिस बंदे के थ्रू उसने किडनैप करवाया हुआ था बायलू को, मिनी ने उन दोनों को ही खरीद लिया था, क्योंकि बायलू भी तो काफ़ी अच्छी खासी रिच थी। तो इसका नतीजा ये होता है कि बायलू इस बार मिनी को बहुत बुरी तरह से पिटवाती है और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले भी करवाती है। वो उसे जाने से पहले बोलती है कभी ना किसी लड़के को कमजोर मत समझना, और दूसरी बात किसी ऐसे लड़के के लिए अपनी लाइफ को ख़राब मत करना, क्योंकि हो सकता है वो बंदा तुम्हें डिजर्व ना करता हो, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियान भी आया हुआ था। जियान को देखने के बाद ऐसे रोने का ड्रामा कर रही थी। जियान बोलता है जो तुमने कारनामे किए उसकी सजा तो तुम्हें मिलने चाहिए। तो हम देखते हैं अब बायलू को, ऐसे जियान कुछ बोलने वाला था, बायलू उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मुझे घर जाना है। वो उसे बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्लीज़ तुम ऐसे अकेले मत जाओ, तुम्हारी ऐसी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। तभी बायलू उसे बोलती है तुम्हें सब कुछ प्रिटेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया जो तुमने किया हुआ था मेरे साथ, आप प्लीज़ इस तरह से मुझे परेशान करना बंद करो। जियान उसे ऐसे रोकता है और बोलता है मैं वही तो नहीं कर पा रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझे एक चांस दो, ये देखो किस्मत भी हमें एक दूसरे के साथ मिलाना चाहती है, तो तुम होती कौन हो इसको मना करने वाली, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बायलू का दिया हुआ रिंग ऐसे दिखाता है, बायलू उसे देखती है और बोलती है तुम्हें पता है ना हम दोनों के में इतना कुछ होने के बाद बहुत कुछ शायद नॉर्मल ना हो पाए। ये सुनने के बाद जियान बोलता है मैं वो सब कुछ करूँगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें वापस अपने लाइफ में ला पाऊँ, और मैं इतनी इजीली हार नहीं मान सकता क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पहले ऐसा वो बोलता है, उसे ऐसे गले लगाता है और उसके बाद ड्रामा यहीं पर समाप्त हो गया। आई मीन टू से ख़त्म।